charges Q0 minus Q are placed at the vertices of an isosceles right angle triangle. Isosceles में दो sides का length same होता है, right? As shown in figure, the net electrostatic potential energy is zero if Q0 is zero. सबसे पहले you need to know hypotenuse will be L times of under root 2, first thing. दूसरा you need to know formula for potential energy, मैंने आपको बताया था. I don't know if you remember or not. मैंने आपको clearly बताया था 1 by 4 pi epsilon 0 मतलब capital K. Summation of all pairs. मैंने ये बताया था आपको कि जब potential energy निकालनी होती है तो सारे के सारे pair का आप क्या करते हो? You say all pair, पहला charge, दूसरा चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, राइट? यू शुड रिमेंबर दिस. मतलब हमारे केस में ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये तीसरा चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? कैपिटल के 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12 प्लस Q1 Q3 by R13 प्लस Q2 Q3 by R23. You can solve this question only if you remember formula of potential energy, right? Or मैंने, if I am not wrong, if I remember, मैंने शायद ये लिया है. नहीं भी लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस formula पता होना चाहिए. अगर syllabus में इस साल के लिए delete किया होगा तो 12th में cover हो जाएगा. Don't worry about it. तो बस ये है potential energy of charges, आपको पता होना चाहिए formula. क्या करना? 1/4 pi epsilon 0 बाहर निकाल लेना, मतलब कैपिटल के. फिर जितने भी चार्ज है, तीन चार्ज है, सारे कॉम्बिनेशन Q1 Q2 by R12 Q1 Q3 by R13 Q2 Q3 by R23 Q2 Q3 by R23. अगर चार चार्ज है तो Q1 Q2 by R12 प्लस Q1 Q3 by R13 प्लस Q1 Q4 by R14 प्लस Q2 Q3 by R23 प्लस Q2 Q4 by R24 प्लस Q3 Q4 by R34. छह टर्म्स आएंगे उसमें, सारे कॉम्बिनेशन लेने पड़ते हैं, राइट? आपको बोला है कि ये एनर्जी जीरो है, बोला है द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, करेक्ट? तो अगर ऐसा है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू जीरो? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ये के को यहाँ शिफ्ट करके जीरो कर लेंगे, राइट? फिर हम लोग Q1 Q2 की वैल्यू डालेंगे. व्हाट इज Q1 माइनस Q, व्हाट इज Q2 Q0, what is distance between to them L, plus Q1 Q3, what is Q1 minus Q, what is Q3 minus Q, distance between them is L root 2, then Q2 Q3, what is Q2 Q0, what is Q3 minus Q, what is distance between them L, and this wall is equal to 0. Okay, ye sab mila ke 0 hai. Then it is simple. क्या कॉमन निकलता है? निकाल लो minus small q by l सब में है. तो पहले टर्म में बचा Q0, दूसरे में बचा minus Q by root 2, तीसरे में बचा plus Q0, ओके, इक्वल टू 0. ये टर्म वहां जाके आपकी हो जाएगी 0. मतलब आपके पास बचेगा यहाँ पे 2 times of Q0 minus Q by root 2 इक्वल टू 0. मतलब 2 times of Q0 इज इक्वल टू minus Q by root 2. मतलब आपको मिलेगा Q0 इज इक्वल टू minus Q by 2 root 2. ओके, दिस इज नथिंग बट, ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपल है. तो आपको मिल गया Q0 इज इक्वल टू, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ, तो -2Q0 अपॉन, नीचे एक 2 था, वापस एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया नीचे, तो 4√2. तो -2Q0 अपॉन 4 को जब आप स्क्वायर रूट में ले जाते हो तो 16 बना के ले जाओगे, तो 16 × 2, तो यह आएगा -2Q0 by √32. ऑप्शन नंबर
पी. ओके, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. यू जस्ट हैव टू नो द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी.